तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का पूरा शेड्यूल आईसीसी ने ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दिया था, लेकिन यहां पर सभी भारतीय फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टीम इंडिया का क्या है शेड्यूल और फिक्चर्स इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में। तो इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से टीम इंडिया के सभी मैचों का पूरा कार्यक्रम दिखाने और बताने वाले कि आखिर टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में टोटल कितने मुकाबले खेलने वाली है, किस किस टीम से खेलेगी, टीम इंडिया के सभी मुकाबले कब कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे, कौन सा मुकाबला कितने बजे शुरू होगा। तो आपको सबसे पहले बता दें कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में सबसे पहले ग्रुप स्टेज में 4 मुकाबले खेलने वाली है, उसके बाद दूसरे राउंड में यानी कि सुपर 8 में भारतीय टीम को 3 और मुकाबले खेलने। तो टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में टोटल 7 मुकाबले खेलने वाली है, ये तो कंफर्म है, लेकिन अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो टोटल 8 मुकाबले खेलेगी और अगर फाइनल में पहुंची तो टोटल 9 मुकाबले खेलने वाली है। गौरतलब है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 1 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसका फाइनल महामुकाबला 29 जून 2024 को खेला जाएगा, जहां इस बार का यह टूर्नामेंट सबसे बड़ा टी20 वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि इस बार 20 देश इसमें हिस्सा ले रही हैं, कुल 55 मैचेस 55 मुकाबले खेले जाएंगे सभी टीमों के बीच में। यह पूरा टूर्नामेंट वेस्टइंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में खेला जाएगा। तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम का कंफर्म और फाइनल शेड्यूल टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, जहां टीम इंडिया सबसे पहले लीग स्टेज में ये 4 मैचेस खेलने वाली है, जहां भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। तो इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच ये महामुकाबला 5 जून 2024 को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। तो वहीं टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबला 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। वहीं भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपना तीसरा मुकाबला यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए अमेरिका के खिलाफ खेलने वाली है। तो इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच यह मुकाबला 12 जून 2024 को न्यूयॉर्क में खेलने वाली है। तो वहीं टीम इंडिया अपना चौथा मुकाबला इस टूर्नामेंट में कनाडा के खिलाफ खेलने वाली है। तो इंडिया वर्सेस कनाडा के बीच यह मुकाबला 15 जून 2024 को फ्लोरिडा के लाउडरहिल सेंट्रल ब्रॉवर्ड पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ये तो रहा टीम इंडिया का लीग स्टेज का पूरा फाइनल शेड्यूल, ये तो सभी मैचेस कंफर्म है। अब बात करें कि आखिर टीम इंडिया इसके बाद दूसरे राउंड में यानी कि सुपर 8 में वो कौन से 3 मुकाबले खेलने वाली है, किस किस टीम के खिलाफ खेलेगी, कब और कहां पर खेला जाएगा। तो उससे पहले आपको सबसे पहले समझाना होगा ग्रुप स्टेज की आखिर किस तरह से कौन सी टीम किस ग्रुप में मौजूद है और किस तरह से सुपर 8 में भारतीय टीम दूसरी टीमों से भिड़ेगी। तो टोटल 4 ग्रुप है, सभी ग्रुप में 5-5 टीमें, इस तरह से सभी 20 टीमों को डिवाइड किया गया है। तो ग्रुप ए में इंडिया है, जबकि पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान की टीम है, जबकि ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और पपुआ न्यू गिनी, जबकि ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स और नेपाल की टीमें हैं। तो ये तो रही सभी टीमें और ग्रुप से, लेकिन आपको बता दें कि ग्रुप ए में जैसे कि टीम इंडिया पहली टीम है और पाकिस्तान दूसरी टीम है, तो इंडिया A1 है, पाकिस्तान A2 है। इसी तरह से ग्रुप बी में इंग्लैंड की टीम B1 है और ऑस्ट्रेलिया की टीम B2 है। इसी तरह से ग्रुप सी में न्यूजीलैंड C1 है, वेस्ट इंडीज C2 है और ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका D1 और श्रीलंका D2 है। अब ग्रुप ए से अगर इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों टीम क्वालिफाई करती हैं सुपर 8 के लिए, तो इंडिया A1, पाकिस्तान A2 रहेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाती है तो उसकी जगह पर जो भी टीम आएगी, चाहे आयरलैंड आए या फिर कोई और टीम, तो फिर वो A2 ही रहेगी, भले ही उसका पॉइंट्स इंडिया से ज्यादा होगा। और ऐसे ही अगर टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाती है सुपर 8 के लिए, तो फिर इंडिया की जगह खाली हो जाएगी और जो टीम उसकी जगह पर आएगी वो टीम A1 रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान के पॉइंट्स ज्यादा रहेंगे तो पाकिस्तान A1 हो जाएगी, पाकिस्तान A2 ही रहेगी, चाहे उसके पॉइंट्स कम हो या फिर ज्यादा हो। अब जाहिर सी बात है कि ग्रुप ए से इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों टीम क्वालिफाई करने वाली है दूसरे राउंड के लिए यानी कि सुपर 8 के लिए। तो सुपर 8 में टीम इंडिया का शेड्यूल कुछ इस तरह से होने वाला है। 20 जून को C1 वर्सेस A1 का मुकाबला है। C1 मतलब ग्रुप सी की पहली टीम जो न्यूजीलैंड है, तो वहीं A1 मतलब ग्रुप ए की पहली टीम जो कि भारतीय टीम है। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच सुपर 8 का यह महामुकाबला 20 जून 2024 थर्सडे को बारबाडोस में खेला जाएगा। इसके बाद 22 जून को A1 वर्सेस D2 का मुकाबला है। A1 का मतलब यह है कि ग्रुप ए की पहली टीम यानी कि टीम इंडिया, और D2 का मतलब यह है कि ग्रुप डी की दूसरी टीम। अब दूसरी टीम श्रीलंका हो सकती है, अगर श्रीलंका क्वालिफाई करेगी
तो वही डी टू होगी, या फिर अगर श्रीलंका क्वालिफाई नहीं कर पाती उसकी जगह पर जो भी टीम आएगी वो डी टू रहेगी। तो श्रीलंका और बांग्लादेश इन दो में से कोई एक ही टीम होने वाली है। तो 22 जून 2024 सैटरडे को टीम इंडिया भिड़ेगी श्रीलंका या फिर बांग्लादेश से, मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका से। टीम इंडिया सुपर एट में ये दूसरा मुकाबला 22 जून को एंटीगा और बरबुडा में खेलने वाली है। उसके बाद 24 जून को B2 वर्सेस A1 का मुकाबला है। B2 मतलब ग्रुप बी की दूसरी टीम, A1 मतलब ग्रुप ए की पहली टीम। अब ग्रुप बी की दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच सुपर एट का ये महामुकाबला 24 जून 2024 मंडे को सेंट लुसिया में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया के सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात को 8:30 बजे से यानी कि 8:30 PM से स्टार्ट होने वाले। तो ये रहा टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल और फिक्स्चर्स, जहां टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में 4 मैचेस खेलेगी, उसके बाद सुपर एट में 3 मुकाबले खेलने वाली है। जिस तरह से ग्रुप स्टेज यानी कि लीग स्टेज में 4 ग्रुप्स हैं, हर टीम में 5-5 टीमें, टॉप की 2-2 टीमें सुपर एट के लिए क्वालिफाई करेंगी। 8 टीमों के बीच सुपर एट का मुकाबला खेला जाएगा, जहां सुपर एट की जो 8 टीमें होंगी उन सभी टीमों को 2 अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। सुपर एट में एक ग्रुप में 4 टीमें होंगी, दूसरे ग्रुप में भी 4 टीमें होंगी। दोनों ही ग्रुप्स की टॉप की 2-2 टीमें क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल के लिए। 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, पहला और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम फाइनल में आपस में भिड़ेगी खिताबी जंग के लिए, जहां पहला सेमीफाइनल मुकाबला 26 जून को खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 27 जून को और फाइनल मुकाबला 29 जून 2024 सैटरडे को खेला जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, आईपीएल और क्रिकेट की हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 की तो सभी अपडेट्स वहीं पर दी जाएंगी, यूट्यूब से पहले भी। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, लिंक पर क्लिक करिए, टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए।